हेलो दोस्तों, फास्ट फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड फिल्म की बात की जाए तो लोगों को एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री देखना बहुत ज्यादा पसंद है, वो चाहे ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड के 10 सबसे बेहतरीन जोड़ियों के बारे में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, काजोल और अजय देवगन। 10वें नंबर पे जगह बनाया है काजोल और अजय देवगन की जोड़ी ने। इस जोड़ी ने 1994 में डेटिंग शुरू की और 1999 में शादी कर ली। ये दोनों बॉलीवुड परिवार से आते हैं। इस जोड़ी ने एक साथ 6 फिल्में की हैं, जिसमें से कुछ हिट थी तो कुछ फ्लॉप भी थी, लेकिन इस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम न्यासा और युग है। नंबर 9, सैफ अली खान और करीना कपूर। 9वें नंबर पे जगह बनाया है सैफ और करीना की बेहद ही खूबसूरत जोड़ी ने। सैफ और करीना दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कपूर सरनेम वाले एक्टर डायरेक्टर एक्ट्रेस आपको बॉलीवुड में बहुत सारे मिल जाएंगे। और बात की जाए सैफ अली खान की, तो इनके पिता क्रिकेटर मंसूर अली खान और इनकी माता फेमस एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर थी। इस जोड़ी ने 2012 में शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने साथ में 7 फिल्में की हैं। नंबर 8, विकी कौशल और कैटरीना कैफ। 8वें नंबर पे जगह बनाया है सबका दिल जीतने वाली विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने। विकी कौशल और कैटरीना कैफ 2021 में शादी के बंधन में बंध गए। इनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। 2019 से ये जोड़ी एक दूसरे को डेट कर रही थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलने दिया। इन दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं की है। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। नंबर 7, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। 7वें नंबर पे जगह बनाया है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने। 2001 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी हुई थी। आज भी ये बॉलीवुड के बेस्ट कपल में से एक माने जाते हैं। इन्होंने साथ में 3 फिल्में की थी। अक्षय कुमार ने जब बॉलीवुड मूवीज में काम करना शुरू किया तब इनकी मूवीज कुछ खास नहीं चला करती थी, पर आज एक ही साल में इनकी 3-4 फिल्में बड़े आराम से रिलीज होती हैं। तो वहीं ट्विंकल खन्ना की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही हैं, इसीलिए अब वो किसी मूवी में दिखती भी नहीं है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं जिनका नाम आरव और नितारा है। नंबर 6, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। 6ठे नंबर पे जगह बनाया है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने। इस जोड़ी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने 2007 में शादी की थी और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। इस जोड़ी ने साथ में कुल 8 फिल्में की हैं। ये जोड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऐश्वर्या राय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो इन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। नंबर 5, शाहरुख खान और गौरी खान। 5वें नंबर पर है एक और खूबसूरत जोड़ी शाहरुख खान और गौरी खान का। रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है और बहुत सारी लड़कियां इनकी दीवानी है, लेकिन शाहरुख खान ने शादी की गौरी से। आज इनके 3 बच्चे हैं जिनका नाम आर्यन, सुहाना और अबराम है। इन्होंने साथ में कोई फिल्म नहीं की क्योंकि गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कभी एक्टिंग में अपना हाथ नहीं आजमाया। नंबर 4, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। 4थे नंबर पे जगह बनाया सबके दिलों पे राज करने वाली जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का की। क्रिकेटर्स और एक्ट्रेस हमेशा चर्चा में रहते हैं, पर ये क्रिकेटर और एक्ट्रेस अब तक की सबसे बेहतरीन जोड़ी रही है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी के अनगिनत फैन फॉलोइंग है। फैंस प्यार से इस जोड़ी को विरिष्का के नाम से बुलाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 2017 में शादी के बंधन में बंधे और इनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी है जिसका नाम वामिका है। इन्होंने साथ में कोई फिल्म नहीं की है क्योंकि विराट कोहली एक क्रिकेटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 3, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। 3रे नंबर पे जगह बनाया है सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले दीपवीर की जोड़ी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार कपल में से एक है। इनकी जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती है और ये दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये जोड़ी एक दूसरे को 2013 से ही डेट कर रही थी और इन्होंने 2018 में शादी की। इन्होंने एक साथ 6 मूवीज में काम किया है। दर्शकों को ये जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आई थी, तभी तो इनके फैंस इन्हें प्यार से दीपवीर कह के बुलाते हैं। नंबर 2, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। 2रे नंबर पे जगह बनाया है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे को 2017 से डेट कर रहे थे और इन्होंने अप्रैल 2022 में शादी की। इन्होंने अभी तक किसी मूवी में एक साथ काम नहीं किया, पर इनकी आने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र है जिसमें ये जोड़ी को ऑन स्क्रीन एक साथ देखने को मिलेगा। अपने जनरेशन के ये दोनों सबसे सफल एक्टर और एक्ट्रेस में से एक है। ये जोड़ी हमेशा डिमांड में रहती है।
दोस्तों अगर आप अपने किसी चाहने वाले अपने फ्रेंड से अपनी फैमिली को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो चोको डिप की चॉकलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चोको डिप इंडिया की सबसे बेस्ट हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट है और ये चॉकलेट आपको कई अलग अलग वैरायटीज के रूप में मिल जाएंगी। अगर आप chocodip.in वेबसाइट पे जाके फास्ट फैक्ट डिस्काउंट कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट डिलीवर करता है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। नंबर एक, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। पहले नंबर पे जगह बनाया सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे अच्छी जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की। ये जोड़ी एक साथ मुझे तेरी कसम की सेट पर मिले थे, तभी से ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। इनके दो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बेटे हैं जिनका नाम रियान और रियाल है। इन्होंने साथ में कुल 4 फिल्में की हैं। फैंस के द्वारा ये जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और क्यों न किया जाए, ये दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो लगते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी अभी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।